सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। बहुत दिन के बाद गाइज हम लोग यहाँ पे फिर से आ चुके हैं जुबा के और एक न्यू वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइज देखो, आज यहाँ पर जो है जुबा वालों ने मेरे को बहुत सारा चीज़ दिया, तो क्या क्या दिया मैं उसको ओपन करूँगा। तो मैं ओपन यार बहुत दिन से ओपन नहीं किया था, तो फाइनली गाइज आज हम यहाँ पे ओपन करने वाले। तो यहाँ पे पर्सनल वाले मैं आ जाते और देखते भाई कितना कलेक्ट कितना चीज़ दिया हुआ है गाइज। तो यहाँ पे बहुत सारा स्किन है, करेक्टर है, जो कि मेरे पास कुछ था कुछ नहीं था, कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे गाइज और हम जो ओपन करते हैं, भाई क्या मिल गया भाई भाई भाई, क्या स्किन है भाई। ये देखो, ये एक फुटबॉलर टाइप का लग रहा है भाई, इसका डिज़ाइन देखो भाई, नीचे से देखो नीचे से इसका क्या ऊपर जा रहा है। तो इसका नाम है क्वीन, और ये किस टाइप का जानवर का लुक बनाया है पता नहीं। ये योगा करता है, तुम देखा होगा, ये थोड़ा योगा टाइप का करेक्टर है, तो काफ़ी क्यूट टाइप का करेक्टर है। और अब यहाँ पे कलेक्ट करते देखते इसमें क्या मिला है। फिर कुछ यहाँ पे मिल रहा है, अरे भाई सांप मिल गया इडिस, ये वाला करेक्टर मेरे पास था नहीं, सांप वाला सपोला। तो सिंपली गाइज अब हम लोग यहाँ पे सपोला के साथ भी खेलने वाले हैं। और क्या मिल रहा है, क्या बात है भाई, इडिस का स्किन मिल गया। ये लेजेंडरी स्किन तो नहीं है, लेकिन ये इडिस का स्किन है, तुम एक तरह से लेजेंडरी स्किन थोड़ा और चमकता। और ये दोबारा इडिस ही मिल गया क्या, शायद इसका एक और टोकन मिला मेरे ख्याल से। एंड उसके बाद गाइज अभी देखते हो और क्या क्या मिलेगा। और आज गाइज आज हम गेम प्ले करने वाले हैं, जो पहला स्किन निकला था गाइज उसी के साथ हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करने वाले हैं, और क्वीन के साथ, ठीक है। और क्वीन किस टाइप का करेक्टर है, कैसा है, मुझे कैसा इसको खेलने में लगता है, तो गाइज आज क्वीन के साथ गेम प्ले भी करके दिखाएंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखो, और कुछ यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास पहले था उसके बदले मेरे को यहाँ पे गोल्ड दे दिया गया, 9000 गोल्ड मिल गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, अच्छा ये क्वीन सूजी वाला जो स्किन था, ये मैं निकाला नहीं था, ये आया था इवेंट में आया था, जो कि डेली इवेंट होता है। तो ये डेली इवेंट वाला भी हमको यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे 3000 जेम्स, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा जेम्स मिल सकता था, लेकिन गाइज मैं जुबा का वीडियो काफ़ी कम बना था, इसलिए मुझे कम ही जेम्स यहाँ पे मिला, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक फुजी भाई, ये न्यू करेक्टर मिल गया, ये मेरे पास था नहीं पहले से, फुजी मिल गया फुजी। और ये पेंगुइन है, काफ़ी एकदम देखो कि ना क्यूट टाइप से लग रहा है भाई यार, काफ़ी मज़ेदार करेक्टर सब है। तो भाई तुम लोग यार गेम प्ले जो लोग खेलते हो जुआ, तो बताना फुजी कैसा है। फुजी के साथ तो आज हम गेम प्ले नहीं करेंगे, लेकिन फुजी का हमको बहुत यहाँ पे स्किन मिल रहा है। एक यहाँ पे ये देखो विंटर वाला भी स्किन मिल गया, और ये एक कौन सा मिल रहा है, ये भाई एक टोकन मिल गया यहाँ पे फुजी का, दो स्किन मतलब एक स्किन हो गया और साथ में टोकन मिल गया, और फुजी करेक्टर भी मेरे पास हो गया। और साथ में यहाँ पे ओपन करते, और ये क्या मिला यहाँ पे, और भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पार्ट वन, अरे भाई फुजी का एक और स्किन मिल गया, मतलब दो स्किन, एक विंडेड वाला स्किन मिला, और ये एक एकदम चीकू टाइप का स्किन है भाई, देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है। और उसके बाद ये क्या, ये एक टोकन फिर मिल गया फुजी का। तो फुजी का इस तुम्हारा पेंगुइन टाइप का करेक्टर है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे फुजी का हमको टोकन भी मिल चुका है, आप उतना टोकन दिया नहीं, लेकिन अगर टोकन ज़्यादा देता भाई फुजी को लेवल 12 तक कम से कम कर लेता तो मज़ा आ जाता। तो प्राइमल इंस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिलता है तो भाई मज़ा आता है। प्राइमल इंस्ट्रिक्ट का जो होता है पावर, वो काफ़ी अलग टाइप का पावर होता है, इसमें प्राइमल इंस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक एक आइटम से, ठीक है। और यहाँ पे भाई ये वाला स्किन हमको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये स्किन जो हेडफोन इसका जो दोनों कान में लगा हुआ है, ये वाला स्किन काफ़ी हमको मज़ेदार लगा। तो तुम लोग बताना गाइस, तुमको यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे ओपन किए इन सभी में से तुमको गाइस फुजी का कौन सा स्किन तुमको अच्छा लगा। उसके बाद गाइस देखो, उसके बाद जो है हम यहाँ पे गेम को अपडेट कर लिए थे, ठीक है, तुमको पता नहीं होगा तो गेम में अपडेट आ गया था। तो अपडेट आने के बाद जो है हम यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे देखो न्यू मैप आया है, ठीक है, रियल टाइप से एकदम काफ़ी सुंदर टाइप से लोग न्यू मैप बनाया है, बिकॉज न्यू ईयर आया 2023 न्यू ईयर आया, उसी के बेसिस पे गाइस ये लोग जो है यहाँ पर एक न्यू मैप दिया है। और वो न्यू मैप कैसा लगता है खेलने में, तो वो गाइस हम लोग यहाँ पे खेल के बताएंगे। और जैसे अपडेट किए, अपडेट करने के बाद भी और कुछ हमको यहाँ पे भेजा था, तो देखते हैं पर्सनल में अभी देखेंगे कि पर्सनल में अभी हमको क्या भेजा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो भी यूट्यूबर सब होता है उसके यहाँ पे वीडियोज आता है, कम्युनिटी होता है। पर्सनल में यहाँ पे जो भी चीज़, जैसे हम यूट्यूबर हैं, क्रिएटर है वाइल्ड लाइफ स्टूडियोज़ का, बहुत 5 साल हो गया यार यहाँ कैस्टल क्रैश बनाते हुए, और साथ में जुबा भी बहुत सारा बनाए वीडियो। तो इसलिए गाइज यहाँ पे जो ना हम क्रिएटर के बेसिस पे हमको इतना मेहनत करने के बाद गाइज हमको यहाँ पे इतना सब चीज़ दिया जा रहा है, नहीं तो गाइज अगर मेहनत नहीं करते तो भाई हमको कुछ नहीं देता ये लोग, ठीक है। तो हर चीज़ भाई फ्री में कुछ नहीं देता है, अगर तुम मेहनत किए होगे तो भाई तुमको भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो, ये वाला स्किन मेरे पास ऑलरेडी एक पहले था, मिलो का स्किन मिला है। एंड उसके बाद और ये क्या है यहाँ पे, ये भी मेरे पास पहले था, तो 6000 गोल्ड इसके बदले हमको यहाँ पे दे दिया है। तो फाइनली गाइज इतना चीज़ मेरे को दिया गया था, जो कि मैं बहुत दिन से जुबा को ओपन तक नहीं किया था, ओपन किया था लेकिन हम ओपन बिकॉज कैस्टल क्रैश बहुत ज़्यादा खेले, तुम लोगों को पता ही होगा बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं, तो इसलिए गाइज जो है जुबा हम भूल ही गए थे। तो फाइनली गाइज जुबा में यहाँ पे हम आ चुके हैं,
और गाइज इस वाले जुबा का जो ये करेक्टर है, इसको गाइज पूरा एकदम अपग्रेड यहाँ पे तो हम करने वाले हैं। इसको इसका मतलब इसका जो है इसका टोकन हमको कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है। इसका टोकन क्वीन का कितना टोकन दिया हुआ है देखना पड़ेगा गाइज, कुछ ज़्यादा उतना भी टोकन नहीं है। लेवल 4 या 5 तक ये अनलॉक हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे शॉटगन डैमेज, स्पेयर डैमेज जितना भी हो, और इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाता है जितना तुम अपग्रेड करोगे। मतलब जो लोग जुबा गेम खेलते हैं उसको पता ही होगा, और तुमको गाइज पता होगा कि नहीं होगा, ये जो स्किन हमको मिला है क्वीन का, ये एक लेजेंडरी स्किन है, और क्वीन एक एकदम छोटू सा चीकू टाइप का करेक्टर है। तो गाइज इसका हम लोग अभी गेम प्ले करने वाले हैं कि इस करेक्टर में क्या एबिलिटी है, और इससे इसे हमको मतलब खेलने में कितना मज़ा आता है क्वीन से, तो वो गाइज हम अभी इस वाले वीडियो में तुम लोग को बताएंगे। तो सिंपली गाइज लेवल 4 यहाँ पे मेरा क्वीन हो चुका है, तो मेरे ख्याल से लेवल 4 ही तक रहेगा, लेवल 5 नहीं हो पाएगा बिकॉज अब इसका टोकन नहीं है मेरे पास। नहीं भाई लेवल 5 भी हो रहा है, क्या बात है गाइज। तो यहाँ पे हम अपग्रेड पे अपग्रेड करते जाते हैं भाई, गोल्ड तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है, तो गोल्ड यहाँ पे कर जाते हैं। बॉम्ब हो गया, +1 पॉइंट मिल चुका है, एंड उसके बाद फिर 150 यहाँ पे गोल्ड लगा दिया। लेवल 5 भाई क्या बात है भाई, लेवल 5 हो गया मेरा क्वीन, लेवल 5 अब नहीं होगा भाई। इतना ही टोकन था, जितना टोकन था उतना मैं कर दिया, अब क्वीन का यहाँ पे लेवल 5 हो गया। और जितना इसका जूता होता सूज जंगल सूज इन सब को भी गाइज यहाँ पे गोल्ड से अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें +1 अटैक इंक्रीज हो गया, स्पेयर पॉइंट +1 हो गया, देख सकते हो गाइज। तो इसके साथ आप कुछ थोड़ा सा और टोकन मिल जाता था, तो यहाँ पे जो है मेरा लेवल 6 भी हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम गाइज यहाँ पे इक्विप करेंगे, एक ही स्लॉट अभी मिला है मतलब आइटम से इक्विप करने का, तो वैम्पायर टिथ कर लेते हैं। वैसे उतना कोई सब ठीक ठाक है भाई, यहाँ पे जो मेन होता है कि तुम खेलते कैसे वो भी डिपेंड करता है। एंड उसके बाद गाइज आज हम यहाँ पे सोलो खेलेंगे, और जो न्यू मैप आया है गाइज वो न्यू मैप कैसा लगता है देखने में तो वो भी तुम लोग को बताएंगे। और यहाँ से गाइज वेपन्स में तुम जो है ना अपना जैसे यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा है शॉट गन बम्ब लिखा है, तो इसमें गाइज यहाँ पे जो है जैसे तुम अपग्रेड करोगे तो तुमको यहाँ पे पॉइंट मिलते जाएगा, तुम मतलब अपना जो है रेंज बढ़ा सकते हो, यहाँ पे रेडियस बढ़ा सकते हो, कूल डाउन घटा सकते हो, यहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ है, नॉक बैक, वेलोसिटी, स्पीड का में वेलोसिटी होता है बट इसमें वेलोसिटी नहीं दिया गया है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ दिया हुआ है इसमें, मतलब अगर जो लोग खेलते हैं तो भाई बहुत अच्छा ये गेम है, ठीक है। लेकिन हम गाइज हम यहाँ पे ये वाला गेम थोड़ा कम ला रहे हैं, लेकिन गाइज अब हम यहाँ पे लाएंगे जल्दी जल्दी। और तुम यहाँ से गाइज यहाँ पे देख लो यहाँ पे इसका एबिलिटी क्या है, हम गाइज हम तुमको बताएंगे नहीं, हम डायरेक्ट गेम में खेल के दिखाएंगे, और गेम में खेल कर ही दिखा देंगे तो तुम लोग समझ जाएगा ये एबिलिटी किस टाइप का है। वैसे अगर जो लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ना चाहते तो यहाँ पे पढ़ सकता है गाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका एबिलिटी क्या है। तो भाई ये एकदम उछल के मारता है, ठीक है, एकदम ये जंपिंग जापाक टाइप से मारेगा तुमको, ठीक है। तो सिंपली गाइज अब यहाँ पे आ जाते हैं मिस्टेक्स, यहाँ पे अपग्रेड पे टिपा गया, जबकि यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे उतना, ठीक है, क्योंकि अपग्रेड ऑलरेडी हम यहाँ पे बहुत सारा कुछ कर चुके हैं। तो उसके बाद गाइज अब हम लोग यहाँ पे बैटल स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे देखो न्यू मैप तुम लोग को दिखाते हैं भाई, यहाँ पे न्यू मैप आ चुका है, तो मतलब अपडेट गेन गाइज तब न्यू मैप दिखा। और अपडेट से पहले जो ना तुम लोग भी अपडेट जो लोग नहीं किया होगा, मतलब जो लोग जुबा खेलते हो जो लोग अपडेट नहीं किया होगा गाइज अपडेट कर लेना। और ये भाई ये क्या गलिच हो गया भाई, दो दो यहाँ पे क्वीन दिख रहा है, दो दो क्वीन दिख गया भाई यहाँ पे आ गया, एकदम सोलो आ गया। और हम लोग यहाँ पे सोलो ही खेलेंगे भाई, 5 बंदे वाला नहीं खेलेंगे, 5 बंदे में थोड़ा जो है ना सामने वाला अपोनेंट कुछ मैक्स लेवल वाला भी आ जाता है, तो सोलो ही खेलते गए। सोलो में जो है लेवल 5 है तो कोई खास उतना भी मतलब मैक्सिमम लेवल वाला नहीं आना चाहिए, तो लेवल 5 तक, लेवल 6-7 बहुत हो गया, उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो फिर भी देखते गए सोलो में, ये देखो गए न्यू मैप है जुबा का, ठीक है, ये न्यू हम देख रहे हैं, और ये काफ़ी सुंदर से एकदम मैप बनाया गया है। और यहाँ पे देखो इसमें गए जुबा में टोटल 45 यहाँ पे दिखा रहा है, 45 प्लेयर उतर सकते हैं भाई, क्या बात है, 45 प्लेयर एक गेम में तुमको मिल जाएगा इस वाले मैप में। और तुम यहाँ पे अपना इमोट यूज कर सकते हो, स्टिकर इमोट जो भी बोलो। ये देखो भाई यहाँ पे जो है पटरी टाइप से भाई क्या सुंदर मैप ये लोग बनाया है, छोटा सा गेम में लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ दिया है। सो तुम खुद गए सोचो कितना कम MB का है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। और गए देखो इसका एबिलिटी बताते हैं, देखो कैसे मारेंगे इसको, यहाँ पे एक्टिव स्किल है इसका, देखा तुरंत यहाँ पे जैसे उछलोगे उछलने के भाई यहाँ पे ये शार्क मेरे को खा लेगा, शार्क को मारना, शार्क को यहाँ पे उछल के मारें, उछल के मारने के बाद इस पर डैमेज बढ़ा। और भाई शार्क वाला जो करेक्टर जो अभी तुमको दिखा मेरा अपोनेंट का एनिमी जो था भाई, वो शार्क करेक्टर काफ़ी खतरनाक है, अगर ये दौड़ेगा ये तुरंत अपना मतलब मुंह से जो मेरे को खाएगा। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ये हमको डैमेज दिया, अब हम यहाँ पे इसको मार देंगे, लेवल 1 का ये न्यू प्लेयर है मेरे ख्याल से ये, तो सिंपली गाइज ये यहाँ पे मर गया, और साथ में इसका जो यहाँ पे शॉटगन उठा लिए। और ये देखो ये आ गया यहाँ पे, ये चूहा आ गया, चूहा ने चमगादड़ है, बैट है बैट, ठीक है, तो बैट को यहाँ पे मार देंगे भाई। कुछ कुछ नाम हमको पता नहीं है, मतलब इसका तो नाम आज जान गए, ये वाला करेक्टर से हम कभी खेले नहीं थे जो लेवल 5 में भी किए क्वीन को, तो इसका तो नाम जान लिया भाई क्वीन है। और मिस्टेक से गाइज देखो क्या नूब तरीके से हम यहाँ पे अपना वैम्पायर थे भाई, क्या ही बताए, वैम्पायर हम फालतू में वेस्ट कर दिए। और उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो ये गोरिल्ला को मारेंगे, ये चिंपैंजी को मारना है हम लोग को,
इसका नाम ब्रूस है, यस इस करेक्टर का नाम है, इसमें ब्रूस रखा गया है। और साथ में इसको मार देंगे भाई, क्या बात है भाई, चार किल कर दिए हैं, गार्ड को भी मारे थे और साथ में यहाँ पे जो अपोनेंट को भी मारे, तो चार किल हो गया। एंड उसके साथ भाई यहाँ पे आओ कौन भिड़ेगा मेरे से, सबको मार देंगे गाइज। एंड उसके साथ हेल्थ भी बढ़ा लिया, मेरा हेल्थ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मैं गुस्सा भी आ गया। एंड उसके बाद भाई ये देखो, ये यहाँ पे जो है ये बाज यहाँ पे उड़ के यहाँ पे मेरे को मारने आ रहा था, बट भाई यहाँ पे इसका स्पेयर का जो एबिलिटी भाई, स्पेयर काफ़ी घूम का मारता है। तुम देखो गाइज, हम जो स्पेयर से मारते हैं, स्पेयर मतलब भाला, ठीक है गाइज, हिंदी में उसको भाला बोलता है, भाला लेके जो मारते हैं भाला वाला वेपन से, भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ा। देखो इसका डिज़ाइन बड़ा मस्त है, भाला का जो अगर कोई अगल बगल रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज पड़ेगा। भाला का जो इसमें पावर कुछ अलग ही दिया हुआ है, इसका एबिलिटी में कुछ अलग। और भाई यहाँ पे लेजेंडरी वेपन उठा लिए और गया, ये नेक्स्ट नहीं था, ये शायद मौली था, कंगाड़ू था, कंगाड़ू को भाई यहाँ पे हम मार दिए। एंड उसके साथ ही गाइस यहाँ पे हमको मिल चुका है लेजेंडरी वेपन, और लेजेंडरी वेपन से भाई अब यार अब तो भाई यहाँ पे टिकने नहीं देंगे किसी को। इसके साथ भाई 8 किल कर दिए भाई, क्या बात है यार, और 6 बंदा बचा हुआ और टोटल हम 8 किल कर दिए। हम सोचे नहीं भाई इतना जल्दी किल कैसे हो गया, लेकिन मज़ा आया गाइस काफ़ी, ये वाला करेक्टर काफ़ी हमको मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा। बट गाइस अगर हम इसको मतलब सामने हाई लेवल वाला अपोनेंट अगर मिल जाएगा तो भाई खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम। और भाई ये देखो, ये बीच में अपना अंडा छोड़ के गया और अंडा में इसका गए, यहाँ पे मेरे को डैमेज पड़ गया। ये करेक्टर है जो कि अंडा वाला, ये अपना अंडा छोड़ता है उसमें डैमेज पड़ेगा उसको लाभ देगा तो। एंड भाई यहाँ पे गया, देखो गाइस ये लोग अपना लड़ाई कर रहा था, बीच में हम फायदा उठा लिया। तो इसके साथ ही गाइस यहाँ पे देखो 10 किल हो चुका है मेरा, और यहाँ पे हम उठा लिए बम उठा लेंगे। और इसके साथ ही गाइस देखो यहाँ पे जो है 3 एनिमी, मतलब हम एक और साथ में उधर 2 बचा हुआ है, तो देखते गाइस खोजते हैं वो लोग कहाँ पे है। भाई एक को तो वो मार दिया, अब ओनली 1 एनिमी बचा हुआ है, तो सिर्फ एक बंदा को मारेंगे तो इसके साथ मेरा हो जाएगा मैच बूझा। तो गाइस काफ़ी अच्छा गेम है। और ये रहा, ये देखो ये निक्स बचा हुआ है, काफ़ी खुरपाती करेक्टर है। और ये देखो ये भाग रहा है, इसके पीछे हम भी आ रहे हैं भाई, पानी में एबिलिटी से काम नहीं करता, ठीक है। और मेरे पास लेजेंडरी वेपन से इसको मार ही देंगे भाई, यहाँ पे जो है थोड़ा सा बचा, लेकिन फिर भी हमको भगा रहा है। तो तुम लोग गाइस बताना इस वाले करेक्टर का तुमको कैसा एबिलिटी लगता है और किस किस के पास ये वाला करेक्टर है। तो मेरे को भाई अच्छा लगा खेले, तो खेलने में तो भाई हमको ठीक लगा, बट आगे का पता नहीं, आगे हम और भी खेलेंगे तो इसके बारे में और भी हम कुछ बता पाएंगे तुमको। बट अभी हमको जैसा भी लगा हमको अच्छा लगा। और भाई न्यू मैप का क्या ही सीन था, काफ़ी अच्छा मैप बनाया है। और साथ में गाइस जो लोग जुबा खेलते हो यार, हमको कमेंट करना और साथ में लाइक करना, ठीक है। और हम लोग क्लैन भी बना लिए, क्लैन का नाम मून नाइट्स है, तुम लोग जानते ही हुआ, एक ही टाइप का क्लैन हम बनाते हैं मून नाइट्स। तो जो लोग को भी आना है मेरे क्लैन में आ सकते हो, क्लैन का नाम है मून नाइट्स। चलो गाइस जुबा का वीडियो आ गया, और भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने वाले, और कैस्टल क्रैश का भी जल्दी ला लेंगे। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।